क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा ना। रातों में नींद भी नहीं आ रही, किसी भी काम में दिल भी नहीं लग रहा, पढ़ाई भी नहीं हो रही। फ्यूचर बनाना है, करियर बनाना है, पैसा बनाना है, घर वालों को सपोर्ट करना है। सुनने में ये सब एक ही चीज है, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर तुम्हारा खौफ है एक बड़ा कदम लेने का, तुम कुछ हासिल नहीं करोगे। I have spent my whole life scared, frightened of things that could happen, might happen, might not happen. I came to realize it's that fear that's the worst of it. That's the real enemy. So get up. Get out in the real world. The fear is simply because you're not living with life. You're living in your mind. I always say that conquer fear whenever is the bad time. See, हिंदी में बोलते हैं कि डर को भी डर से डर लगना चाहिए। ऐसा कोई डर नहीं है इस दुनिया में जिसको कॉन्कर ना किया जा सके। जरा दो मिनट सोचो, ये खौफ क्यों है तुम्हारे अंदर? बोलने से डर लगता है, अपने आप को एक्सपोज करने से डर लगता है, या फिर इंटरव्यू में जाने से डर लगता है, अपनी स्टेटमेंट देने से डर लगता है, अपने आप को किसी के आगे पेश करने से डर लगता है, ऑडियंस के सामने से डर लगता है, ये क्या? अलमिया तो वैसे यही, अगर इनमें से कुछ भी मैं करूंगा या इसमें से कुछ भी अगर हम करेंगे तो दिमाग में एक बहुत बड़ी सी स्टेटमेंट आएगी कि लोग क्या सोचेंगे। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी सोचो, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। खौफ ये एक ताकतवर और बुनियादी जज्बात है जो तुम्हें अपनी हकीकी सलाहियत तक पहुंचने से रोक रहा है। It never stops. हम सब अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ मकामात पर इसका जो है तजर्बा करते हैं। नाकामी का खौफ, फियर ऑफ फेलियर, मुस्तरद होने का खौफ, फियर ऑफ रिजेक्शन, नामालूम होने का खौफ, फियर ऑफ अननोन, या फिर एक और खौफ, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जिसे हम ग्लोसोफोबिया कहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये खौफ तुम्हारा दुश्मन नहीं, ये एक चैलेंज है, एक मौका जो तुम्हें तुम्हारी अपनी सलाहियत तक पहुँचने से रोक रहा है। खौफ पे काबू पाने का सबसे पहला कदम है उसे तस्लीम करना। तुम्हें अपने खौफ को पहचानना है, उसका सामना करना है, और तुम्हें अपने आप को ही समझाना है कि इट डज नॉट डिफाइन यू। ये जो डर तुम्हारे अंदर बैठा है ना, ये बस आरजी है, कुछ वक्त के लिए है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा जज्बा और तुम्हारी डिटरमिनेशन, ये तुम्हारी एवर लास्टिंग है। जब तक तुम हो, तुम्हारी डिटरमिनेशन, तुम्हारा जज्बा और तुम्हारी हिम्मत तुम्हारे साथ है। जरा दो मिनट दुनिया के कामयाब तरीन लोगों के बारे में सोचो, अगर उनके अंदर आज खौफ होता, उनके अंदर उस वक्त फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ रिजेक्शन अगर होता के अंदर, तो आज वो वहां होते हैं जहां वो हैं आज? जरा दो मिनट सोचें आप। नहीं ना, क्योंकि वो अपने विजन को लेके बहुत क्लियर थे। उन्होंने अपने खौफ को, अपनी जिंदगी और अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं करने दिया। उन्होंने रिजेक्शन फेस की, उन्होंने फेलियर फेस किया, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। क्यों बढ़ते रहे? क्योंकि उन्होंने ये अपने दिमाग में बिठा लिया था, दैट मैजिक हैपेंस आउट ऑफ द कंफर्ट ज़ोन्स। अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलोगे तभी जादू होगा आपकी जिंदगी में, तभी आपकी लाइफ बदलेगी, वरना नहीं बदलेगी। यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड। जब तक तुम अपने कंफर्ट ज़ोन में हो, तुम सेफ हो। सबसे पहले इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो। एक बहुत अच्छी कहावत है, अ शिप ऑन अ हार्बर इज सेफ, बट दैट्स नॉट व्हाट शिप्स आर बिल्ट फॉर। बंदरगाह पे कश्ती महफूज तो है, लेकिन वो वहां रहने के लिए नहीं बनी। उसने समुद्री तूफान का सामना करना है, उसने गैर मामूली लहरों को काटना है, उसने तेज हवाओं को बर्दाश्त करना है। ये सब तुम भी देखोगे, ये सब तुम भी बर्दाश्त करोगे जब तुम अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे। फियर ऑफ चेंज को एक्शन में लेकर आओगे, डिफरेंट सिचुएशंस को फेस करोगे जो आज से पहले तुमने कभी नहीं की होंगी। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू टेक द बोल्ड स्टेप फॉरवर्ड। आज से, यानी अब से ये सोच लो कि तुम्हें कुछ बहुत बड़ा करना है। यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। तुम्हें अपने आप पे काम करना है, और ये दिमाग में बिठा लो कि नाउ दिस इज माई टाइम। अब ये मेरा टाइम है, अपना टाइम आ गया है भाई, अब अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। ये अपने खौफ को चैलेंज करने का और अपने आप को साबित करने का वक्त है कि तुम अपनी सोच से ज्यादा मजबूत हो। अपनी हर नाकामी को एक कीमती सबक के तौर पर कबूल करो। हर ठोकर तुम्हें एक कदम आगे लेके जाती है उन लोगों से जिन्होंने अभी तक उसका मजा नहीं चखा। और हाँ, हर बंद दरवाजा अगले दरवाजे पर सख्त दस्तक देने का मौका है। याद रखो, बेखौफ जीने का सफर ये नहीं कि तुम डर का सामना ना करो, बल्कि ये वो सफर है जहाँ पर तुम खौफ पर काबू पाने में मास्टरी कर लेते हो। खौफ को अलाउ ना करो कि तुम्हें पैरालाइज कर दे तुम्हारे अपने बड़े बड़े सपने देखने से, बल्कि इससे और मोटिवेट हो। और जहाँ जहाँ तुम इसका सामना करो, तुम इसको बोलो कि तू मेरे ख्वाबों में रुकावट नहीं बन सकता, तब ये खौफ और तुम्हें मोटिवेट करेगा। तो अब मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आइडेंटिफाई योर फियर्स, अपने खौफ की शनाख्त करो। जो जो तुम्हारे खौफ की लिस्ट है उसे लिखो, और फिर एक एक करके उनका सामना करो। अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से घेर लो, यानी वो लोग जो तुम्हें अपलिफ्ट करते हैं, तुम्हारे साथ खड़े होते हैं और तुम्हारी सलाहियत पर यकीन रखते हैं। अपनी कामयाबी को तसव्वुर करो, उस दिन के बारे में सोचो जब तुम वो सारी सक्सेस हासिल कर लेते हो, जब दुनिया तुम्हें पहचानती है, सब तुमसे खुश है, किसी भी चीज का दुख नहीं। उठो, अपने पोटेंशियल को जानो, अपनी सलाहियत को जानो, और यकीन रखो कि तुम कर जाओगे। वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी, जोर लगेगा, दर्द भी होगा, लेकिन जहां तुम जाना चाहते थे अगर तुम पहुंच गए, तो तुमने सब कुछ पा लिया। तब तुम बोल सकोगे कि मैंने अपने
ख्वाब के बीच में, मैंने अपने ख्वाब के बीच में अपने खौफ को नहीं आने दिया। आपके ख्वाब वैलिड हैं, ये दुरुस्त हैं और आप इससे ज्यादा काबिल हैं जितना आप सोचते हैं। तुम क्या समझते हो तुम्हें अब डर नहीं लगता, तुमने अपनी मंजिल पा ली? नहीं, बल्कि ये एक मुसलसल सफर है जो मरने दम तक नहीं खत्म होना। हर रोज एक नया कदम उठाओ अपने मकसद की तरफ, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करो, चाहे वो कितनी मामूली ही क्यों ना हो। हर तजर्बे के साथ तुम एक ज्यादा मजबूत और अपने आप में ही एक फ्लेक्सिबल वर्जन बनने में तैयार हो रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस एम्पावरिंग सेशन। बाहर निकलो और अपने खौफ को फेस करो और वो बेखौफ जिंदगी गुजारो जिसके लिए तुम्हारा मुकद्दर था। और हाँ, वेट 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 वेट, दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपैक्ट के लिए, तो सिर्फ तुम ही डाल सकते हो। थैंक यू।